आज का जो हमारा आंदोलन है 9 अगस्त को यहाँ पे जो संविधान जलाया, जिन मनुवादियों ने संविधान जलाया उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल किया जाए, और जो इस पूरे भारत देश में ईवीएम मशीन द्वारा जो चुनाव किया जाता है वो ईवीएम मशीन हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव किया जाए पूरे भारत देश में, यही मांग लेके हम राष्ट्रपति जी के पास आए हुए हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी है, वो आप किस तरह से मनाओगे? 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, जैसे कि भारत सरकार ने पूरे देश में संविधान दिन सरकार की ओर से भी मनाया जाए, और हम जो हमारी पार्टी की तरफ से भी हर राज्य में जैसे जैसे हो सके, जिस जिस राज्य में हो सके उस राज्य में संविधान दिन मनाया जाएगा। तंत्र मंत्र में संविधान जलाया था, उसके बारे में बताइए। जंतर मंत्र पे जो संविधान जलाया है वो जो राष्ट्र विरोधी कार्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार उन्मूलन और अत्याचार, गरीबों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, संविधान बदलने की बात, ये सब जो मोदी सरकार कर रही है ये गलत है। इसको जो तुरंत जो हम तो जो है अमल में लाया जाए, नहीं तो देश में क्रांति हो जाएगी जिसकी जवाबदारी मोदी सरकार की होगी। 71 साल पहले ही देश को स्वतंत्रता मिली, गुलामी से राष्ट्र आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद ऐसा कभी घटना घटी नहीं कि जो जंतर मंतर पे जाहिर पुलिस स्टेशन के सामने तुम्हारा संविधान को जलाया गया, ये घटना उचित नहीं है, ये देश के लिए बहुत घातक है। इसलिए ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए, उन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर करना चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसी घटना उसके बाद नहीं घटेगी, ऐसा अगर करेगी सरकार तो। मैं सिर्फ एक मांग करता हूँ इस भारत सरकार से, जिन लोगों ने हमारे संविधान की अवहेलना की है उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए। क्यों? ये संविधान हमारे बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर के करकर्मों से लिखा गया है। ये मनुवादी व्यवस्था के लोग, इन्होंने क्या पॉलिसी बना रखी है? ईवीएम मशीन से ये वोटिंग कराते हैं, इधर वोट डालते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जाता है ये वोट। हम चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं, इस भारत सरकार से मांग करते हैं, वो ईवीएम मशीन को जमुना के अंदर फेंक दिया जाए और वो पुराना बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए जिससे सबको न्याय मिल सके। मैं आज इस जंतर मंतर से ऐलान करना चाहता हूँ अपनी पार्टी की ओर से, जो लोग हमारे संविधान को हाथ लगाएंगे हम उनका हाथ कलम कर देंगे। जय भीम। संविधान जलाना मींस देश को जलाना और बाबा साहब की विचारधारा को जलाना है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने इस देश में संविधान को जलाया है तो ये दो जो डिफरेंसेस बीच में आ रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा और हमारे बीच में जो लड़ाई चल रही है मनुवाद के संविधान की, उस मनुवाद के संविधान को ये जो लागू करना चाहते हैं आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, इसको ज़बरदस्ती इस देश में लागू करके जो हमारी दलित जनता है, जो हमारी मुस्लिम जो ना समुदाय है, इन दोनों को इतना लड़ा करके ये एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं और संविधान के माध्यम से इनके सारे अधिकार जो आज प्राप्त हुए हैं, जो बाबा साहब ने हमको दिलाए हैं, उन सारे अधिकारों को ये लोग हमसे छीनना चाहते हैं। ये हमारी देश में जो ना आगे चल के बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है यदि जो ना इसी प्रकार से ये लागू रहा, और अगर संसद में बहुमत आ जाता है तो संविधान को ख़त्म करने का पहला इनका उद्देश्य है, जिसको आरएसएस ने 125 साल पहले संकल्प लिया था। हम चाहते हैं कि हमारी जनता, हम लोग सभी जो ना संविधान को बचाएं। जो लोग जो ना संविधान में विश्वास करते हैं, एकता भाईचारे की, उसको लागू करें और देश की अखंडता को स्थापित करें, ये हमारे देश का पहला उद्देश्य होगा। अगर संविधान ख़त्म हो गया तो हमारे देश फिर से गुलामी में चला जाएगा और वो गुलामी होगी मनुवादी संविधान की विचारधारा जो है, ये विचारधारा। 2019 के चुनाव के बारे में हमारा ये कहना पड़ता है कि जितनी भी मनुवादी संस्थाएं, जितनी भी ऐसी जो मनुवाद को लागू करने वाली, जैसे मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी है, उस पार्टी के समर्थित और उस पार्टी की विचारधारा रखने वाले जो भी पार्टी हैं, उनको हम इस देश से भगाने की कोशिश करें और इस देश में खदेड़ने की कोशिश करेंगे, और हम
अपने जो है ना जो संविधान में हमारी जो व्यवस्था के अनुरूप जो भी छोटी बड़ी पार्टियां आएंगी उन पार्टियों को हमारा दलित समुदाय मुस्लिम समुदाय ये जो देश में सबसे बड़ी संख्या में है, अगर आप देश में 32 करोड़ मुसलमान हैं तो 30 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं और उनमें से जो ना 12 करोड़ आदिवासी हैं। परंतु हम ये देखते हैं कि इन तीनों जो ना की संख्या के आधार पर इन्हें रिजर्वेशन के आधार पर उलझा रखा है, इनके आसपास बस्तियों में जहाँ कहीं भी होता है वहाँ जो ना इस तरीके के जो ना जो कांग्रेस और बीजेपी का जो पीरियड है, कांग्रेस को हम ये कह सकते थे कि ये थोड़ा बहुत हमारे लिए करती, लेकिन आज की तारीख में तो वो भी मनुवादी हो गई। जिस प्रकार से मनुवादियों में जैसे जो कांग्रेस ही सबसे पहले मंदिर में जाके मत्था टेक करके बाद में जो ना अपने चुनाव की शुरुआत करते हैं, तो ये मनुवादी व्यवस्था में ये लोग भी विश्वास करने लगे हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि बाबा साहब की विचारधारा को अगर इस देश में संविधान के माध्यम से कायम रखना है तो हमारे को संविधान बचाना होगा। और 2019 के चुनाव में मोदी जी जैसे जो प्रधानमंत्री हैं, जो कहते जरूर हैं कि हम बहुत कुछ देश के लिए कर रहे हैं, दलितों के लिए कर रहे हैं, ये तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि हमारे मोदी जी व्यापारियों के एक प्रतिनिधि हैं। वे खुद भी अपने आप को कहते जरूर हैं कि हम पिछड़ी जाति के हैं और हमने जो ना चाय बेची है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उनकी सारी जो ना जो लोग हैं वो कहीं पर भी ये नज़र नहीं आता है कि उन्होंने जो नीचे की तबका है उसके लिए, वो कहते हैं हमने शौचालय बनाए, वो कहते हैं हमने बिजली दी, वो कहते हैं हमने मकान बनाए, ये सब घोषणाएँ उसमें से अभी 5% भी जो ना नहीं हमारे तक पहुंचा है। और उसी की हालत ये है कि उसकी वजह से दलित समुदाय पूरा जो है ना उसी वजह से एक बार 26 नवंबर को संविधान दिवस है, तो उसके बारे में आप देश को क्या संदेश दोगे? देश के लिए हम संविधान दिवस के दिन ये बताना चाहते हैं देश में कि संविधान की जो मूलभूत सिद्धांत हैं, एकता और अखंडता, भाईचारा, सद्भावना इस देश में इसके माध्यम से रहना चाहिए, तभी जाकर के हम इस देश की एकता और अखंडता को स्थापित कर पाएंगे। यही हम चाहते हैं कि 19 नवंबर में संविधान दिवस के रूप में हम उसे अपनी जो है ना समाज के माध्यम से, दलित मुस्लिम आदिवासी समाज के माध्यम से इसको हम पेश करेंगे, ये हमारा सोच है। जो डिमांड है जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद जो उंगलियों पर गिने जा सकती है आबादी, हमारे पटेल समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए 182 मीटर ऊंची प्रतिमा उनकी बनाई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की डिमांड है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो इस हिंदुस्तान की संविधान को लिखने वाले, उनका सबसे पहला हक है कि उनकी 200 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जाए। और हम ये भी डिमांड करते हैं जो पटेल की भी एक मूर्ति बनाई है तो उसमें कोई विवाद नहीं हो रहा है, अगर बाबा साहब की अगर मायावती जी कोई भी बाबा साहब प्रतिमा लगे उसमें विवाद क्यों होता है? विवाद ये है कि हम बांट रखा है, ये जातिवाद को इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रंट पर ला के रख रखा है। मोदी जी हमारे कहने को कुछ और करने को कुछ और, मोदी जी को सिर्फ पूरी दुनिया घूमने से कोई फुर्सत नहीं मिल रही है। महीने के अंदर 15 दिन वो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, हिंदुस्तान की गरीब जनता के लिए क्या कर रहे हैं? ये आने वाले इलेक्शन के 2019 बेचने वाला जो है वो पूरी दुनिया में घूम रहा है, वो देश का पैसा बर्बाद कर रहा है, उसके लिए कुछ करना चाहिए, पब्लिक उसके खिलाफ नारा बोलेगी। अरबों रुपया जो जनता के खून पसीने की कमाई, जनता अपना टैक्स दे रही है, दाल पर टैक्स है, चीनी पर टैक्स है, हर चीज़ पर टैक्स है, उस पैसे को बर्बाद कर रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या जनता के लिए कर रहे हैं? ये 2019 आ रहा है, 2019 के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आप कितनी सीटें लाते हैं। अगर दिन गिनती की पूरे हिंदुस्तान के अंदर 50 सीटें लिया है तो मेरा नाम बदल के रख देना। हम लोग तो गरीब इंसान है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने हैं, 4-5 हज़ार रुपया महीने कमाने वाले हम लोग गरीब इंसान हैं। वोट दो, कोई कुछ करता नहीं है गरीबों के लिए, कहाँ कोई कुछ करता है। हम लोग फैक्ट्री सारी सील हो रहा, हम लोग कहाँ मजदूर आदमी कहाँ भाग के जाएंगे? और झुग्गी झोपड़ी जो ना हाथ जोड़ते हैं और दे भी देते हैं, उसके बाद कुछ बोलते भी नहीं है। कौन सी सरकार सुनोगे 2019 में? वोट ही नहीं देंगे किसी को, वोट ही नहीं देंगे।
देंगे हम लोग गरीब इंसान, झुग्गी में सारा पानी लग जाता है, ठुगना बराबर पानी लग जाता है, वोट नहीं देना हमारे अपने इलाके से, पानी लग जाता, कीड़ा मकोड़ा घर में रेंगता है, सबको जिता दो और गरीबों इंसान को भूल जाता है। 4 लाख आरपीआई पार्टी को भी वोट नहीं दो, किसी को नहीं देना, किसी को भी नहीं देना है। जब से नरेंद्र मोदी कुछ करेगा ना, चाहे कोई भी सरकार रहेगा, कैसे करेगा, जब कोई भी सरकार रहेगा, जब से कुछ भी नहीं करेगा गरीबों इंसान के, तब से हम लोग वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे वोट हम लोग। आरपीआई से जुड़े हो आप, आरपीआई पार्टी से क्यों वोट नहीं दोगे? आरपीआई भी तो नहीं सुन रही हमारी भाई, आरपीआई तू नहीं सुनता है, जब सुनेगा भी बस अपना काम निकल गया ना, गरीबों के दिन बिसर गया। आरपीआई जो झेल रहे वो बता रहे हैं कल आपको, कोई नहीं सुनता, हम लोगों को भी नहीं सुनता है।